अभी स्टूडियो में हम स्टेप बाई स्टेप डिवाइड करना सीखेंगे। तो हमने 12 में 19 का डिवाइड कैसे करें, या इसको ऐसे फ्रैक्शन के रूप में भी लिख सकते हैं। देखिए, 19 का डिवाइड कब कर पाएंगे, जब दी गई संख्या इससे बड़ी हो। आप जानते हैं डिवाइड के चिन्ह के बाद लिखी हुई संख्या का डिवाइड करना होता है किसमें, इसके पहले लिखी हुई संख्या में। जिसका डिवाइड करना होता है इसको हम यहाँ लिखते हैं, जिसमें करना होता है उसको बीच में लिखा जाता है। क्या ये 19 से बड़ी है? नहीं है। तो हम एक काम कर सकते हैं, क्या करेंगे, पॉइंट लेंगे, इसके साथ जीरो लिख देंगे। कितना बन गया, 120। 19 से बड़ा है। 19 को देखिए, टेबल नहीं जानते हैं तो क्या करें, 1 से लेकर 9 तक कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें कि आपका इससे बड़ा 9। तो 19 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया किससे, 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे 9 संग 54 5 कर आ गया, 6 5 11। फिर हमने इसको सब्ट्रैक्ट करना है, कितना आ गया, 6 पॉइंट लगा रखा है तो 0 आ गया। अब हम 19 को मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, तो कितना आ जाएगा बोलिए, 9 3 27, 2 क्रिया आ गया, 3 2 5, 57 आ गया। फिर हमने सब्ट्रैक्ट करना है, कितना आ रहा है, 3 पॉइंट लगा रखा है, 0 आ जाएगा। इस प्रकार से फिर डिवाइड करेंगे, फिर डिवाइड करेंगे, ये आपका स्टेप आगे चलता रहेगा। ये क्या है, आपका भागफल है। इसके बराबर हम अपना क्या लिखते हैं, भागफल लिखते हैं। तो अभी हमने क्या किया, 12 में 19 का डिवाइड किया, कितना मिल गया, 0.63 मिल गया। फाइनली वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट कर बताएं।